नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ROI टोकन के बारे में। इस वीडियो में हम ROI से रिलेटेड लगभग सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही ROI टोकन के फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे कि आने वाले वक्त में इस टोकन का जो प्राइस है वो कितना ऊपर जा सकता है। सो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और स्वागत है आपका जैस्टर इन्फो यूट्यूब चैनल पर। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ROI टोकन 5ROI ग्लोबल एक्सचेंज का नेटिव टोकन है। 5ROI ग्लोबल एक्सचेंज एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आप इवन क्रिप्टो करेंसीज को स्टेक भी कर सकते हो। जैसा बाइनेंस या फिर अदर एक्सचेंजेस काम करती हैं, सेम ये एक्सचेंज भी वैसा ही काम करता है। 5ROI ग्लोबल एक्सचेंज हाल ही में लॉन्च हुआ नया एक्सचेंज है जिसके फाउंडर और CEO का नाम डेविड डो है। अगर इनके फाउंडर के बारे में बात किया जाए तो इनको मोर देन 10 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है बिजनेस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और अगर इनके कोर टीम मेंबर्स के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और एजुकेटेड हैं, जिससे आप आराम से पता लगा सकते हो कि इसका जो फ्यूचर है इस एक्सचेंज का वो कितना ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। जब ये एक्सचेंज लॉन्च हुआ था तब इसने अपने न्यू यूज़र्स को साइनअप बोनस के तौर पर कुछ फ्री के ROI टोकन्स प्रोवाइड किए थे। अब अगर ROI टोकन के बारे में बात करें तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया ये एक नेटिव टोकन है, जैसे कि बाइनेंस एक्सचेंज का नेटिव टोकन BNB है, वजीर एक्सचेंज का नेटिव टोकन वजीर टोकन है, सेम उसी तरीके से ये भी नेटिव टोकन है ROI ग्लोबल एक्सचेंज का। अब अगर इसके प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है इसका फ्यूचर, और मैं भी कोशिश करूंगा आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से समझाने का कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकली समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये एक नेटिव टोकन है एक्सचेंज का। अगर हम किसी और एक्सचेंज या फिर एग्जांपल के तौर पर बाइनेंस को ही ले लें, बाइनेंस एक्सचेंज का नेटिव टोकन BNB है, और BNB के इनिशियल डेज या फिर इनिशियल टाइम में जब इसका वैल्यू बहुत ही कम था और अभी के टाइम में जब इसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो गया है, अगर इन दोनों के डिफरेंस को देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक हमें ज़मीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है। बाइनेंस से नहीं, अदर एक्सचेंजेस के बारे में भी अगर हम बात करें और उनके टोकन्स के वैल्यू के बारे में बात करें तो सेम हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। जैसे कि ह्यूबोई या फिर आप अपना WazirX एक्सचेंज ही ले लो, WazirX एक्सचेंज की जो नेटिव टोकन है वजीर टोकन, उनका इनिशियल प्राइस और अभी का प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है। तो पहली बात तो यहीं पे हमें क्लियर हो जा रहा है कि जैसे जैसे जो एक्सचेंज है वो ग्रो करता है, जैसे जैसे एक्सचेंज में वॉल्यूम या फिर बहुत सारे कस्टमर्स बढ़ते हैं और इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, ट्रांजेक्शन का लेवल बढ़ जाता है, तो वैसे वैसे जो टोकन्स होते हैं नेटिव टोकन्स उनका भी वैल्यू बढ़ता जाता है। सो ये तो थी थोड़ी बहुत थ्योरेटिकली बातें, अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये है कॉइन मार्केट कैप का वेबसाइट, और सबसे पहले हम यहाँ पर ROI टोकन के बारे में थोड़ा बहुत सर्च करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट डाटा इज अनट्रैक्टेड, क्योंकि हाल ही में ROI टोकन आया है, क्योंकि जो एक्सचेंज है ROI एक्सचेंज ग्लोबल एक्सचेंज वो हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इतना ज़्यादा डाटा कॉइन मार्केट कैप ने भी अभी रखा नहीं है। बट एक जो बेसिक नॉलेज है यहाँ से हमें मिल सकता है कि ROI टोकन क्या है और फाउंडर्स के बारे में, इसके पीछे कितनी बड़ी टीम काम कर रही है और कितने वेल एजुकेटेड लोग हैं इसके पीछे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। मिस्टर डेविड डो इसके करंट को फाउंडर और CEO हैं 5ROI ग्लोबल के, और इसके साथ मिस हाना फॉर्म ये भी को फाउंडर हैं, और इन्होंने मतलब इनकी जो एजुकेशन है उसके बारे में भी यहाँ पर आप देख सकते हो। कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में इन्होंने एक तरीके से एक्सपीरियंस रखा हुआ है। तो दोस्तों अब अगर हम अदर नेटिव टोकन्स के बारे में बात करें, जैसे कि BNB, यहाँ पर आप देख सकते हो बाइनेंस कॉइन, ये BNB बाइनेंस एक्सचेंज का नेटिव टोकन है, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है $481 के आसपास। एंड अगर हम इसके ऑल टाइम के ग्राफ को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम 2020 से स्टार्ट करें तो लगभग 2020 के शुरुआत में इसका जो प्राइस था वो था $15 के आसपास, और इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया वो लगभग $675 के आसपास का इसने ऑल टाइम हाई बनाया, और अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है $481 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 में $15 से इसने स्टार्ट किया और अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है $481, मतलब कितना इस दोनों के बीच में जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना लंबा चौड़ा अंतर हमें देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों सिर्फ BNB ही नहीं, अगर हम नेटिव टोकन्स के बारे में बात करें, जैसे कि FTX, जो FTX टोकन है ये FTX ग्लोबल एक्सचेंज है, ये इसमें भी
आप ढेर सारे क्रिप्टो करेंसीज पर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो। और अगर हम इस कॉइन के बारे में बात करें तो फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है $63 के आसपास, और 2020 के, अगर हम 2020 के शुरुआत में जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 की शुरुआत में इस टोकन का जो प्राइस रेट था वो था लगभग $2 के आसपास, यहाँ पर आपको आराम से दिख रहा होगा। और अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है $63.58 पर, और ऑल टाइम हाई जो इसका रहा है वो लगभग $79 तक का इसने हाई बना लिया है। फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है $63.58 पर। और वहीं अगर हम वजीरक्स टोकन, जो कि वजीरक्स एक्सचेंज का नेटिव टोकन है, आप देख सकते हो $1.32 पर ये ट्रेड कर रहा है। और इसके अगर हम ऑल टाइम ग्राफ को देखें तो 2020 से अगर हम शुरू करें, फरवरी 2020 में लगभग इसका जो प्राइस था वो लगभग था एक वजीर एक्स का $0.06 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। और ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया वो लगभग $4 के आसपास इसने ऑल टाइम हाई बनाया, मतलब कितना लंबा चौड़ा इसने मूवमेंट दिया है। और उसके बाद आपको पता है कि थोड़ा बहुत डिक्लाइनेशन आया था मार्केट में, और अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है $1.32 पर, और धीरे धीरे ये अभी रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, जो इसका ऑल टाइम हाई है वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है, तो धीरे धीरे करके ये कवर कर लेगा। और आप देख सकते हो कि जो इनिशियल प्राइस रेट है नेटिव टोकन्स का वो काफ़ी कम है, या फिर काफ़ी कम रहा है। और धीरे धीरे करके जिस तरीके से एक्सचेंज ने इम्प्रूवमेंट शो किया, एक्सचेंज बढ़ा, लोगों तक पहुंचा, लोगों ने उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट किया ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग और ट्रांजेक्शन करके, इसका एक अच्छा खासा इफेक्ट नेटिव टोकन पर भी पड़ा, और नेटिव टोकन का जो वैल्यू है काफ़ी इम्प्रूव होने लगा। तो दोस्तों इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि नेटिव टोकन्स में काफ़ी ज़्यादा हमें और काफ़ी स्ट्रांग फ्यूचर देखने को हमें मिल सकता है। और खासकर अगर हम आरओआई के बारे में बात करें तो एक तरह से श्योरिटी हम लेके चल सकते हैं कि अगर इतना भी नहीं तो आगे आने वाले वक्त में या फिर एक साल के भीतर कम से कम ये 5 से 6 गुना का प्रॉफिट तो आपको दे ही देगा आराम से। क्योंकि अभी धीरे धीरे ही ये ग्लोबल, जो भी ग्लोबल लेवल पर काम कर रहा है, ये धीरे धीरे करके ही ग्रो करेगा, तो आगे आने वाले वक्त में हमें इसका जो इफेक्ट है वो आराम से देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।